भोपाल नगर निगम बंटवारे को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। राजधानी के सभी वार्डों में भाजपा नेताओं ने कमलनाथ सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कमलनाथ सरकार द्वारा भोपाल नगर निगम को दो हिस्सों में बांटने का ऐलान किया गया है, उसके बाद से ही लगातार भाजपा अपना विरोध जता रही है। हस्ताक्षर अभियान चलाने की बात हो या फिर राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की बात, बीजेपी नेता लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। इसी कड़ी में अब एमपी नगर स्थित प्रगति पेट्रोल पंप चौराहे पर भाजपा नेताओं ने पुतला दहन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस सत्ता पाने के लिए भोपाल नगर निगम का विभाजन कर रही है। भोपाल जिला अध्यक्ष विकास वीरानी के नेतृत्व में भोपाल के सभी 58 वार्डों में पुतला दहन कार्यक्रम किया। किसी भी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि भोपाल में इस प्रकार का विघटन न हो, जिससे जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। विकास के पैमाने बदल जाएंगे। जातीय आधार पर इस प्रकार के किसी भी विभाजन को भोपाल स्वीकार नहीं कर पाएगा। बहुत कठिनाई भोपाल के विकास में जाएगी और सद्भावना भी समाप्त होगी, भाईचारा भी समाप्त होगा। अगर राजनीतिक स्वार्थ के लिए, पदों को पाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र ये करेंगे तो फिर लोकतंत्र में चुनाव की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। आपको अगर जीतना है तो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराकर आप जीत के दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। भोपाल की जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो भोपाल के विकास का नेतृत्व करेगा, निरंतर रूप से संचालित रहेगा। 4 तारीख को किसान आक्रोश आंदोलन होगा, कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया जाएगा। 6 तारीख को पुनः हम प्रत्येक वार्ड के अंदर मशाल जुलूस निकालकर जन जागरण के माध्यम से जनता की आवाज बनेंगे और कमलनाथ सरकार से मांग करेंगे कि निर्णय को वापस ले। कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक सत्ता पाने के लिए जो भोपाल नगर निगम का विभाजन किया है, और चूंकि वो सीधी लड़ाई में जीत नहीं सकते थे तो उन्होंने इस तरीके से भोपाल नगर निगम का विभाजन किया, जिसमें जो ऐसा लगता है कि जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, वो एक विधानसभा ऐसी बनाना चाहते हैं जो कांग्रेस के कमिटेड वोटर हैं उनकी, जिससे एक कम से कम महापौर उनका आ जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनकी षड्यंत्र सफल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। कुल मिलाकर निगम बंटवारे को लेकर बीजेपी ने अपना विरोध तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।